सृजिता का हैप्पी वाला बर्थडे। सास बहू और बेटियां की इको फ्रेंडली मुहिम। शादी के बाद सृजिता का पहला जन्मदिन। सास बहू और बेटिया पहुंच गया है सृजिता और माइकल के घर सृजिता का जन्मदिन मनाने के लिए, वो भी इको फ्रेंडली अंदाज में। सास बहू और बेटिया की मुहिम है कि हम बर्थडे पर पेड़ लगाकर इको फ्रेंडली अंदाज में इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर कैसे माइकल शादी के बाद सृजिता का पहला बर्थडे स्पेशल बनाते हैं। सबसे पहले तो सृजिता और माइकल ने अपने दिन की शुरुआत की इस पौधे को लगाकर, और साथ ही बताया कि आखिर पौधे लगाना उनके लिए क्यों जरूरी है। जरा देखिए कैसे माइकल भी सृजिता का साथ दे रहे हैं। इसी के साथ साथ सृजिता ने ये भी बताया कि आखिर वो अपना पहला जन्मदिन कैसे सेलिब्रेट करना चाहती हैं। तो शादी के बाद ये है मेरा पहला बर्थडे विथ माय पति देव। तो हमने प्लांटेशन से शुरू किया दिन, बिकॉज गो ग्रीन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ग्रीनरी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग पोल्यूशन करते हैं, प्लांट्स इज़ द ओनली मीडियम थ्रू विच वी कैन कंट्रोल पोल्यूशन, make it more green, make it more oxygen full, the air quality improves. Like I love plants, I really love plants. So obviously plantation se janamdin ka shuru kiya hum logon ne, nice ek hibiscus tree plant kiya. So it's two good reasons, one the birthday and the plant itself. Yes, so there are two good reasons, like Michael said, one is the birthday and one is the birthday of this tree as well. वी बोथ लव प्लांट्स। माइकल को भी प्लांट्स का बहुत शौक है। हम लोग हर सिक्स मंथ्स में वी ब्रिंग न्यू प्लांट्स इन द हाउस। पुराने जो भी प्लांट्स है उनके साथ बातचीत करते, कभी कभी देखभाल करते हैं। प्लांट्स आर वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, एंड ऑनेस्टली घर में भी आपका एक अलग तरीके का शोभा बढ़ा देती है जब आपके घर ग्रीनरी से भरा हो। सो प्लांट्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अपने घर पर पौधे लगाना सृजिता और माइकल दोनों को ही पसंद है, इसीलिए आज अपने बर्थडे के स्पेशल मौके पर उन्होंने बताया कि आखिर उन्हें नेचर से कितना ज्यादा प्यार है। प्लांटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि कहा भी जाता है एक पौधा एक जिंदगी। तो ऑब्वियसली आज बर्थडे के शुभ मुहूर्त पे मैंने इस पौधे को भी प्लांट किया, तो हम दोनों का बर्थडे अभी साथ में होगा, साथ में मनाया जाएगा। इनफैक्ट घर में भी हम हर लाइक 6 महीने में जाके नए प्लांट्स खरीदते हैं, बिकॉज यू नो इट लुक्स वेरी लवली व्हेन इट्स ग्रीन, और स्पेशली बरसात के मौसम में तो एकदम दे बिकम वेरी ग्रीन, हरा भरा, तो घर भी बहुत लाइवली लगता है। एंड आई थिंक प्लांट्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू अस बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये सब चीज़ों के लिए प्लांट्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू कीप अस अलाइव ऑन दिस प्लैनेट। सो आई लव प्लांट्स। What do you want to say? About plants? I mean, I don't know what you said, but I think we both like them a lot. We have to have plants around because good vibes in the house. So every alternate month, I would say, she comes home with a new plant and we find a good spot in the house. As you can see, we have lots of them in the balcony, inside the living room, etc. And then, of course, especially for birthdays, it's a very good custom here to plant a new one. So looking very much forward that we have a new plant in the house now. हर बार सृजिता अपना बर्थडे कहीं बाहर हिल स्टेशन या आउट स्टेशन में सेलिब्रेट करती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने घर पर अपने पति के संग इस बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहा है। तो आइए जानते हैं कि आखिर आज के दिन सृजिता और माइकल इस दिन को कैसे स्पेशल बनाने वाले हैं। हम लोग जनरली कहीं आउट स्टेशन जाते हैं, लाइक गोवा और पंचगनी, लोनावला,
महाबलेश्वर ऐसे टाइप के हिली एरियाज में. बट इस साल एज बिकॉज हम जस्ट लास्ट वीक शादी करके वापस आए हैं तो बहुत ज़्यादा घूमना तामझाम ये सब चल रहा था. तो इस साल मैं टिपिकली घर पे विथ माय डॉगोज विथ माइकल विथ माय हस्बैंड आई वांट टू सेलिब्रेट द बर्थडे वेरी होमली वे. माइकल विल कुक समथिंग स्पेशल फॉर मी. उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो कुछ मेरे लिए स्पेशल खाना बनाएंगे एंड ही विल मेक द हाउस वेरी कम्फी एंड वेरी वॉर्म विथ लॉट ऑफ कैंडल्स. तो यही प्लान है इस साल का. Now the pressure's up. That's pressure? That's not pressure, but that's you said you don't easy. Want anything for your birthday. So I asked her, what do you want? She said, nothing. I just want to be home. I just want to spend some time with you and the dogs. And now that apparently there's some expectations, but let's see. Yeah, I want to spend time with my husband and my dogs. शादी के बाद श्रीजिता के पहले जन्मदिन को माइकल बहुत ही स्पेशल करना चाहते हैं, इसीलिए वो पहुंच गए हैं अपनी रसोई, क्योंकि उन्होंने आज अपनी रसोई की कमान अपने हाथों में जो ले ली है. जी हाँ, श्रीजिता के इस बर्थडे पर उन्होंने ये फैसला किया है कि आज दिन भर वो किचन की ड्यूटी संभालेंगे. और इसकी शुरुआत की उन्होंने श्रीजिता का फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाकर. तो ये स्पेशल ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, लेकिन इसी बीच श्रीजिता ने बताई कैसे हुई उनकी लव स्टोरी की शुरुआत. तो जब तक मेरे पति मेरे लिए पैनकेक बना रहे, आइए मैं बताती हूँ आप सबको कि कैसे कहाँ हम दोनों मिले थे पहली बार. तो हम दोनों पहली बार भी रेस्टोरेंट में ही मिले थे और हम दोनों को खाने का बहुत शौक है. वी लव ईटिंग एंड वी लव फूड एंड ट्राइंग डिफरेंट काइंड ऑफ कुजींस. तो हम लोग रेस्टोरेंट में मिले थे, वो अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था और मैं अपनी दोस्तों के साथ आई हुई थी और अक्रॉस द टेबल वो बैठे हुए थे अपने फ्रेंड्स के साथ. तो ऑब्वियसली गुड लुकिंग है, तो मैं देख रही थी कि कौन है ये लड़का. हाँ, मेरे तरफ भी थोड़ा थोड़ा देख रहा है चोरी चोरी नज़र से, लाइक ही वॉज ऑल्सो कॉइंगली लुकिंग एट मी एंड आई वॉज लाइक ओके हु इज़ ही. एंड देन वी एक्सचेंज नंबर्स और वहाँ से हमारी लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी. और आज पति बन गया. आर यू ऑलरेडी रिग्रेटिंग बेबी? नॉट एट ऑल, आई एम जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड. आई कांट कॉन्सेंट्रेटेड. बर्थडे पैनकेक, सो इट हैज टू बी वेरी गुड, वेरी नाइस. पर माइकल ने पहले भी पैनकेक बनाया है मेरे लिए, वो बहुत अच्छा पैनकेक बनाता है एंड वी बोथ लव पैनकेक्स फॉर ब्रेकफास्ट. तो आशा करती हूँ आज भी अच्छा ही बनाएगा. तो बन गया, तो आइए जानते हैं कि आखिर ये स्पेशल पैनकेक्स श्रीजिता को कैसे लगे, जिसे माइकल ने बड़े ही प्यार से बनाया है. Thank you so much love. It was damn yummy, damn amazing. और ये जो gesture था आपका मेरे birthday के सुबह मेरे लिए breakfast बनाना, that was so sweet. Thank you so much. And thank you सास बहू बेटिया for having such an amazing birthday. सुबह सुबह इतने positivity के साथ मैंने आज दिन शुरू किया, so thank you everyone. भाई breakfast तो yummy yummy बन गया, अब थोड़ा हो जाए श्रीजिता और माइकल का romantic dance भी.
तो शादी के बाद ये था मेरा पहला बर्थडे और माइकल ने बहुत ही बहुत ही बहुत ही स्पेशल किया इस बर्थडे को. थैंक यू सो मच बेबी. योर ईच थैंक यू. योर ईच एंड एवरी स्मॉल एफर्ट मैटर्स अ लॉट टू मी. और थैंक यू सास बहू और बेटिया, आप सब मेरे घर पे आए, ये बर्थडे स्पेशल एपिसोड मेरे साथ शूट किए. आई रियली एंजॉयड. वी रियली एंजॉयड. जाते जाते हम उम्मीद करते हैं कि सास बहू और बेटिया और माइकल ने मिलकर श्रीजिता के इस जन्मदिन को खास बनाया होगा. मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ. चलो एक सेकंड.